फ्रीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ, हेल्दी और खुश होंगे। हे फूडीज, मैंगो तो सीजनल फ्रूट है, तो मैंगो को सिर्फ हम सीजन में एंजॉय करेंगे? नहीं यार, हमें तो मैंगो पूरे सीजन एंजॉय करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को पूरे साल में बहुत बार मिल्क शेक बना के दे देती हूँ, क्योंकि ये मैंगो जो सीजन में आता है उसको मैं प्रिजर्व करके रख देती हूँ, और फिर जब हमें जैसे चाहिए तो उसे निकाल कर फ्रेश फ्रेश मैंगो जूस बनाकर लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं और बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। काश ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे मैंगो पसंद नहीं है। इस सीजनल फ्रूट को हम पूरे साल भर के लिए एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंगोज है ना, ये मेरे गाँव से है, ये लोकल फ्रूट है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि मैंगो कौन सा वाला है। तो चलिए अब हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। मैंने इन सारे मैंगोज को धोकर अच्छे से सुखा दिया है। अब हम इन्हें काट कर इसमें से सारा पल्प निकाल लेते हैं। हम इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालेंगे, ये मैंगो का सिर्फ पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ऐसे पहले ऊपर ऊपर से काट लेंगे। ऐसे अब हम सारे मैंगोज को कट कर लेते हैं। तो देखिए फूडीज, ये मैंने सारा पल्प बाजू में निकाल दिया, ये सिर्फ पल्प है। अभी ये जो स्किन है इसमें भी बहुत सारा पल्प है, अब हम उसे निकाल लेते हैं। ये जो मैंगो का पल्प है ये अराउंड 4 से 5 मैंगो का है, तो अब हम इसका भी पल्प निकाल लेते हैं। अब ये जो स्किन के अंदर जो पल्प है इसे निकालने के लिए हम शार्प एज वाला स्पून ले लेंगे और उसे ऐसे स्क्रेप कर लेंगे। मैंगोज बहुत महंगे हैं तो हम ऐसे पल्प को वेस्ट नहीं जाने दे सकते। ये देखिए, इस मैंगो में बहुत सारा पल्प है, ये ऐसे ऐसे स्क्रेप करने में। और हमें इसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसलिए हम इन स्किन को वॉश करके नहीं ले रहे, वरना अगर आम रस करना होता है ना तो गांव साइड में लोग इस स्किन को पानी में से वॉश करके निकाल लेते हैं, तो उसमें का सारा पल्प उस पानी में आ जाता है। ऐसी अब हम सारे स्किन का पल्प निकाल लेंगे। तो देखिए फूडीज, ये सिर्फ स्किन वाला पल्प है। तो चलिए पहले अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं और स्मूथ बना लेते हैं। तो देखिए फूडीज, मैंने ना थोड़ा सा पल्प इस बोल में लिया है, अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लूंगी। इट विल टर्न इनटू अ नाइस स्मूथ पेस्ट। अब देखिए, हमने इसको काफी हद तक ब्लेंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पल्प को पहले हम छान लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक छन्नी लगाई है, उसमें अब हम ये सारा रस डाल देंगे और इसे भी ऐसे मिक्स करते हुए, ऐसे स्टर करते हुए उसका सारा रस निकाल लेंगे। ये मैंगो ना थोड़ा सा दशहरी है, तो ऐसे छानने की वजह से ना, एक तो अगर उसमें कोई रेशे होंगे तो वो नहीं आएंगे पल्प में, और दूसरा अगर कुछ ब्लेंड नहीं हुआ है अच्छे से तो वो भी ब्लेंड हो जाएगा। अब हम इसे ऐसे पूरा छान लेते हैं। ये देखिए, हमने सारा रस इसमें से छान लिया है और ये रेशे हैं जो ऊपर बची हुई है, अब हम इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। जितना पॉसिबल है हमने पूरा रस इसमें से ऐसे छान लिया है। इधर से भी हम, नीचे की तरफ से भी हम इसे ऐसे क्लीन कर लेंगे इस छन्नी को, क्योंकि रस है तो ऐसे चिपक जाता है। ये देखिए, तो देखिए हमारा ये पल्प अभी इसमें हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे ताकि इसमें अगर थोड़ा भी कुछ पानी का अंश है तो वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
रस को उबालते समय एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप रस को या पल्प को उबालने जा रहे हैं वो मोटे तले का होना चाहिए, वरना रस अपना ये पल्प सारा नीचे लग जाएगा और जल से कंटिन्यूसली मिक्स भी करना है। इसी स्टेज पर हम इसमें शक्कर भी मिक्स करेंगे। शक्कर आपका आम कितना मीठा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि शक्कर वैसे भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इसमें हम शक्कर के अलावा और कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें शक्कर मिलाई है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, शक्कर के अलावा इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। सिर्फ शक्कर जो है वो आपके आम के स्वीटनेस पर डिपेंड करता है, आपका मैंगो कितना स्वीट है उस पर वो शक्कर का क्वांटिटी डिपेंड करता है। एंड इसमें जो भी कलर आएगा जो भी है वो कुकिंग और शुगर की वजह से आएगा, उसके अलावा हम इसमें कोई भी अलग प्रिजर्वेटिव या कोई भी कलर नहीं डालेंगे। तो अब हम इसे ऐसे ही पकाएंगे जब तक इसमें अच्छा उबाल नहीं आता। देखिए इसमें अभी उबाल आ रहा है, हम इसे और थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम एक और बार उबाल आने देंगे अच्छे से एकदम, और फिर हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसे एकदम पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद ही हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के डीप फ्रीजर में रखेंगे। अब ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा हो जाएगा वो, जितना जैसे वो ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे वो गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, और ये मोटे तले का बर्तन होने की वजह से ये नीचे लगा भी नहीं है। ये प्रोसेस मैं पिछले 2-3 साल से कर रही हूँ और मेरे बच्चों को पूरे साल भर मैंगो का मिल्क शेक, मैंगो आइसक्रीम, ये एंजॉय करने को मिलता है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा ये पल्प बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे इन मोल्ड्स में भर देंगे ताकि जब हम बच्चों को मिल्क शेक बना के देना है तो ये एक मोल्ड उठाकर उनके लिए मिल्क शेक बनाकर दे, एक दो जितना उनको पसंद है उस तरह से, और अगर आम रस बनाना है तो फिर उस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो चलिए अब हम ये सारे ये जो क्यूब्स है ना इनको भर देते हैं और फिर इसे डीप फ्रीज होने के लिए रख देंगे। ऐसे अब मैं ये सब भर देती हूँ। अब हम इसे ऐसे सील करके और इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। 4-5 घंटे में ये आराम से फ्रीज हो जाएगा, फिर हम इसके क्यूब्स निकालकर दूसरे बैग में डाल देंगे। और अब ये जो बाकी बचा पल्प है ना ये हम डायरेक्टली एक बैग में डाल देंगे। सी दिस, ये इतना हमारे बैग में भर गया है। पहले तो मैं बैग को अच्छे से सील कर लेती हूँ एक छोटा सा ओपनिंग छोड़ के। हाथ में पानी है तो पानी बाहर की तरफ लग रहा है। अब इसे आराम से ऐसे इधर से छोटा ओपनिंग, परफेक्ट। अब हम इसे ऐसे ही डीप फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये एक अलग से एक क्यूब बन जाएगा, एक अलग से इतना ही बन जाएगा। तो जब बहुत सारे लोग होंगे घर पे, 7-8 लोग आ जाएंगे मेहमान, तो उस टाइम पे ये आमरस बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब ये पूरा जब फ्रोज हो जाएगा तब मिलते हैं। तो देखिए 4-5 घंटे के बाद ये इस तरह से फ्रीज हो गया है। अब हम इसके ऐसे क्यूब्स बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब हम इन सारे क्यूब्स को बाहर निकाल के एक बैग में ज़िपलॉक बैग में रख देंगे। ये देखिए अब हम इसे एक बैग में ऐसे सील करके रख देंगे, इसमें से सारा एयर निकाल कर इसे हम सील करेंगे। अभी मैं आपको इससे एक मिल्कशेक बना के दिखाती हूँ, ये बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ग्लास में दूध लिया है, अब हम इसमें एक क्यूब डाल देंगे। ये देखिए
अब हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा आइस भी डाल दिया ताकि बच्चों को थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। तो देखिए हमारा कुछ सेकंड्स में ही ये मैंगो का मिल्क शेक रेडी है। ये ऐसा हेल्दी और घर पर बना हुआ हाइजीनिक कंडीशंस वाला ये मैंगो शेक आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय।